पद संख्या दो, माननीय राज्यपाल जी द्वारा समवेत दोनों सदनों में दिए गए अभिभाषण को मैं पढ़कर सुना रहा हूं। कॉपी वितरित करा दी जाए। कॉपी वितरित हुई नहीं? कॉपी वितरित करा दी जाए। मेरे ख्याल पटल कार्यालय पे होगी, वहां से इमीडिएटली मैं लोड भी करा देता हूँ। लोड भी कराया हूँ, वितरित भी करवाया हूँ। तब तक मैं पढ़ देता हूँ। उपलब्ध करा दे। और वैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ की नहीं गई है, कहीं लाबी में भी नहीं मान रहा। आए हाँ, तब तक मैं पढ़ रहा हूँ और कॉपी आ रही है। थोड़ा सा इधर से दो, इधर से आगे दो, इधर दो, इधर दो यार, इधर से दो, आगे से, आगे से दीजिए। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल दल के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में माननीय अध्यक्ष जी सभी का हार्दिक स्वागत। पढ़ा हुआ मान ले, पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। कल दिनांक 1 तारीख को सभी विधानमंडलों की बैठक थी, इसलिए सभी माननीय विधायक लखनऊ में उपस्थित थे। तो इसलिए कल 1 फरवरी को और आज 2 फरवरी को जिन माननीय सदस्यों का जन्मदिन है, मैं उनको पढ़कर बताऊंगा और सब लोग उनको शुभकामनाएं देंगे। उसके बाद कुछ औपचारिक काम उसको करेंगे। माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीराज सिंह, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीराज सिंह, निर्वाचन क्षेत्र सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा के प्रथम बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय शंकर पाल सिंह है। आपका जन्म दिनांक 1 फरवरी 1982 को खेतलपुर भंसोली में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर LLB BEd तक शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्मदिवस के अवसर पर मैं स्वयं इस सदन की ओर से आपकी शुभकामना देता हूँ। इंजीनियर सरवन निषाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य इंजीनियर सरवन निषाद, निर्वाचन क्षेत्र चौरी चौरा, जिला गोरखपुर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में प्रथम बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम डॉक्टर संजय कुमार निषाद है। आपका जन्म दिनांक 1 फरवरी 1990 को गोरखपुर में हुआ था। आप BTech तक शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्मदिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्री अवधेश सिंह, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर अवधेश सिंह, निर्वाचन क्षेत्र पिंडरा, जिला वाराणसी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय राम मूरत सिंह है। आपका जन्म दिनांक 1 फरवरी 1955 को लश्करपुर वाराणसी में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर PhD तक शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्मदिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्री हरि प्रकाश वर्मा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री हरि प्रकाश वर्मा, निर्वाचन क्षेत्र जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में प्रथम बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम श्री सियाराम है। आपका जन्म दिनांक 2 फरवरी 1980 को ग्राम रामपुर कला में हुआ था। आपने स्नातक LLB तक शिक्षा ग्रहण किए। आपके जन्मदिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। प्रमुख सचिव विधानसभा, मत संख्या दो, मत संख्या तीन, दो, मत संख्या दो हो गया ना, मत संख्या तीन। स्टाम्प, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन अध्यादेश 2023
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन 2023 विद इन ब्रैकेट को सदन के पटल पर रखता हूँ। मैं संख्या 4 माननीय शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 7वां संशोधन अध्यादेश 2023 विद इन ब्रैकेट उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन 2023 को सदन पटल पर रखता हूँ। मैं संख्या 5 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक विवरण तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट का समीक्षा अभिकथन राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन विलंब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मैं संख्या 6 माननीय मुख्यमंत्री जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1165/11-2-23-9 विद इन ब्रैकेट 42-17-TC-67 उत्तर प्रदेश GST नियम 2017 आदेश विद इन ब्रैकेट 299/2023 दिनांक 17 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 विद इन ब्रैकेट उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2017 की धारा 166 के अधीन विलंब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 7 माननीय मुख्यमंत्री जी। मानवर, मैं आपके अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 1468/11-2-23-9 विद इन ब्रैकेट 47-17-TC-241 उत्तर प्रदेश अधिनियम 1-2017 आदेश 308/2023 दिनांक 17 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 विद इन ब्रैकेट उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2017 की धारा 166 के अधीन विलंब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 8 माननीय मुख्यमंत्री जी। मानवर, मैं आपके अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 1501/11-2-23-9 विद इन ब्रैकेट 47-17-TC-249 उत्तर प्रदेश अधिनियम 1-2017-309 विद इन ब्रैकेट 2023 दिनांक 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 विद इन ब्रैकेट उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2017 ब्रैकेट बंद की धारा 166 के अधीन विलंब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 9 माननीय समाज कल्याण मंत्री जी। मत संख्या 9 पढ़ दीजिए। कार्य सूची में मत संख्या 9। विशेष प्रतिवेदन संख्या 10/2006 दिनांक 16/5/2006 के संबंध में इसको पटल पे सादर प्रस्तुत करता हूँ। नहीं, 9 कार्य सूची दे दीजिए पास में। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश माननीय संसदीय कार्य, आप बैठ जाइए जी। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से समाज कल्याण अनुभाग 1 का उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1975 की धारा 12 विद इन ब्रैकेट 7 के अधीन स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 10। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या 1/2524/558-80-1/2023-80-1003 विद इन ब्रैकेट 002-3-2023 दिनांक 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 40 की उपधारा 3 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। संख्या 11 प्रमुख सचिव। निम्नलिखित विधेयक जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2023
23 को पारित किए गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा से विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 30 नवंबर 2023 को वापस प्राप्त हो गए। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन विधेयक 2023 जो विधानसभा द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2023 को पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 3 दिसंबर 2023 को वापस प्राप्त हो गया। बस उनके 12 प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश विनियोग 2023-2024 का अनुपूरक विधेयक 2023 जिसे विधानसभा ने अपने दिनांक 1 दिसंबर 2023 के उपवेशन में पारित किया था। श्री अध्यक्ष द्वारा जो धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 3 दिसंबर 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 दिसंबर 2023 को प्राप्त हो गई और वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 जिसे विधानसभा ने अपने दिनांक 29 नवंबर 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपने दिनांक 30 नवंबर 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 दिसंबर 2023 को प्राप्त हो गई और वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का 18वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 जिसे विधानसभा ने दिनांक 19 नवंबर 2023 के उपवेशन में पारित किया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 30 नवंबर 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 दिसंबर 2023 को प्राप्त हो गई। वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का 19वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन विधेयक 2023 जिसे विधानसभा ने अपने दिनांक 30 नवंबर 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा विधान परिषद ने अपनी दिनांक 1 दिसंबर 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 दिसंबर 2023 को प्राप्त हो गई। वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का 20वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 जिसे विधानसभा ने अपने दिनांक 30 नवंबर 2023 के उपवेशन में पारित किया था और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 3 दिसंबर 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 दिसंबर 2023 को प्राप्त हो गई। वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का 21वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 जिसे विधानसभा ने अपने दिनांक 29 नवंबर 2023 के उपवेशन में पारित किया था और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था जो और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 30 नवंबर 2023 को वापस प्राप्त हुआ, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 दिसंबर 2023 को प्राप्त हो गई। वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का 22वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2023 जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 30 नवंबर 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 3 दिसंबर 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 दिसंबर 2023 को प्राप्त हो गई और वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का 23वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश श्री देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2023 जिसे विधानसभा ने अपने दिनांक 30 नवंबर 2023 के उपवेशन में पारित किया था और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 3 दिसंबर 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 दिसंबर 2023 को प्राप्त हो गई और वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का 24वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2023 जिसे विधानसभा ने अपने दिनांक 30 नवंबर 2023 के उपवेशन में पारित किया था और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 3 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 दिसंबर 2023 को प्राप्त हो गई और वह सन 2023 का उत्तर प्रदेश का 25वां अधिनियम बन गया। मत संख्या 13 कुछ नहीं है, मेज संख्या 14 कुछ नहीं है, मत संख्या 15। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 1 फरवरी 2024 की बैठक में विधानसभा में दिनांक 2 फरवरी 2024 से दिनांक 12 फरवरी 2024 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की है। दिनांक 3 फरवरी 2024 को वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्यों के निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचना ली जाएं। दिनांक 5 फरवरी 2024 को प्रश्नकाल नहीं होगा। दिनांक 2 फरवरी 2024 से दिनांक 12 फरवरी 2024 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम नियमित रखा जाए। फरवरी 2 शुक्रवार 11 बजे पूर्वांत
राज्य विधानमंडल दल के साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण 12:30 बजे अपराह्न श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया जाना औपचारिक कार्य यथाध्यादेश अधिसूचना और नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना विधेयकों का पुनर्स्थापन आदि यदि कोई हो 3 शनिवार निधन के निर्देश 4 रविवार बैठक नहीं होगी 5 सोमवार 11 बजे पूर्वान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय का प्रस्तुतिकरण श्री राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 6 फरवरी मंगलवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 7 बुधवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण 8 गुरुवार वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय पर साधारण चर्चा 9 शुक्रवार वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय पर साधारण चर्चा आधा दिन असरकारी दिवस 10 शनिवार वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय के अनुदानों की मांग पर विचार एवं मतदान रविवार बैठक नहीं होगी 12 सोमवार वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सायंकाल 3 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 का सदन की अनुज्ञा से पुनर्स्थापन उस पर विचार एवं पारण माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आश्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है सहमत है प्रश्न यह है कि जो सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दी है उससे सदन सहमत है जो सदस्य माननीय इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ अभी 1 बजे वो महिला कक्ष के जो नवीनीकरण है उसका उद्घाटन होगा अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक के